देशवासियों, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आज हमारी ओआरओपी की मूवमेंट जो 15 जून 2015 से स्टार्ट हुई, आज 1950वां दिन पूरा हो रहा है। हमने ये कोविड-19 या कोरोना की महामारी के कारण अपनी मूवमेंट को सस्पेंड किया हुआ है, पर ये 1950वां दिन पूरे देशवासियों को ये पता होना चाहिए कि सैनिक पूरे देश भर में वन रैंक वन पेंशन असली वाली को लागू करवाने के लिए ये मूवमेंट चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन दे दिया, फिर दो तीन जगह के ऊपर सैनिकों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कुछ खामियां रह गई हो, वो भी हमने एक कमेटी बैठाई हुई है, उसके बाद दूर हो जाएगी। साथियों और देशवासियों, मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं कि जो सरकार ने वो कमेटी बैठाई, उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी 26 अक्टूबर 2016 को, लेकिन अभी तक वो कमेटी की ना तो रिपोर्ट हमें पता लगी है और ना ही असली वाली मूवमेंट जो वन रैंक वन पेंशन उन्होंने लागू करी है ग्राउंड के ऊपर। छोटे रैंक से हमारे जवान जो हवलदार हैं, उनको तकरीबन 5,000 रुपया कम मिलता है पहले ओआरओपी जो दी है उसके आज के मुताबिक। ऑफिसर साहबान को 10,000 रुपया कम मिलता है, जेसीओ के बाद में उन्होंने उल्टा कर दिया, ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। आज वालों को कम और ओआरओपी का ज्यादा, ये भी पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, क्योंकि समय के बाद पेंशन और सैलरी बढ़ती है, कम नहीं होती। हमने बहुत रिप्रेजेंटेशन करी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 मई 2019 को हुक्म दिए सरकार को कि वो जो ओआरओपी के खामियां हैं उनको दूर करें, अपने स्टेक होल्डर्स और पिटिशनर्स को बुलाकर। सरकार ने हमें नहीं बुलाया। हाँ, हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद रक्षा मंत्री जी से 1 जुलाई 2019 को जाके मिले और उनको उन खामियों के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बताया। उन्होंने ऑर्डर भी रख लिया और बोला कि मैं इसका अध्ययन करता हूं, थोड़े दिन में आप उसको फिर बुलाऊंगा। साथियों, आज तक रक्षा मंत्री जी ने भी हमें नहीं बुलाया। बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हमने, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। रक्षा मंत्री जी जब बॉर्डर पर जाते हैं ले एरिया में, वहां बताते हैं कि हम सैनिक और सैनिक परिवारों का खास ध्यान रखते हैं और यहां पूरे देश भर में 1950 दिन हो गए, हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन जिसका कॉन्सेप्ट भी सरकार ने बनाया, जिसकी डेफिनेशन भी सरकार ने बनाई और प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में कि अगर उनकी सरकार आई तो हम असली वाली वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे। देशवासियों, आज तक हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं मिली। हां, सरकार के पास इंफॉर्मेशन स्प्रेड का साधन ज्यादा है। जहां भी हम गांव में जाते हैं तो हमें लोग कहते हैं, जल साहब या हवलदार साहब या सूबेदार साहब, आपको वन रैंक वन पेंशन मिल गया है तो आप किसके लिए आवाज उठा रहे हो? प्रधानमंत्री जी, सैनिकों के बीच में तो आपने दो तीन बार बोला कि कुछ खामियां रह गई हैं, लेकिन देशवासियों को भी बताओ कि हमने असली वाली वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं की और जल्दी से जल्दी हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन दीजिए। ये पैसे की बात नहीं है प्रधानमंत्री जी, ये सैनिकों की रिस्पेक्ट और सैनिकों के साथ इंसाफ और सैनिकों का स्टेटस की बात है। आप ही कहते हैं कि दूसरे देशों में जो आपने देखा हमारे देश में भी सैनिकों के साथ होना चाहिए, लेकिन मेहरबानी करके ग्राउंड पे लागू करें। हम फिर एक बार आपको अपील करते हैं, हम रक्षा मंत्री जी से अपील करते हैं, पूरे सैनिक परिवार जो हम
वेटरन्स ने अपनी फैमिलीज की ओर से और आज के सर्विंग कल के फिर वेटरन बनेंगे उन सब की ओर से हम ये गुजारिश करते हैं कि असली वाली वन रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। आपने इसको कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, दोनों सरकारों ने, यूपीए की सरकार ने भी और एनडीए की सरकार ने भी, परिभाषा भी आपने लिखी, गवर्नमेंट के 6 डॉक्यूमेंट्स में वो परिभाषा लिखी हुई है, लेकिन ग्राउंड पे लागू नहीं हुई। हम एक बार फिर आज 1950वें दिन हम सब मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव आज आए हैं, चाहे हमारी मूवमेंट सस्पेंड है, लेकिन इस दिन को याद दिलाने के लिए सरकार को और देशवासियों को हम ये आज एकत्र हुए हैं और ये पूरे देश के लिए ये हमारी बातचीत आप सबके लिए है। हमें असली वाली वन रैक वन पेंशन अभी तक नहीं मिली। हम अपील करते हैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से कि हमें असली वाली वन रैक वन पेंशन दे, वही इंसाफ होगा, वही हमारी इज्जत होगी और उसी के मुताबिक हमारा स्टेटस होगा। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।